सो हेलो रिवन इंटम टेक में आपका स्वागत है और आज हमारे पास है जेट फोर चार्जर फ्रॉम टी वाई एफ आई बेसिकली इसी कंपनी का मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने एक बैटरी रिव्यू करी थी और वो बैटरी मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी थी अंडर वन थाउजेंड रुपीस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखना और आज हम इसी के चार्जर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो बाय द वे ये चार्जर लाइक like, मुझे पर्सनली पसंद आया था बिकॉज आपको सोनी जेड भी ईटन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चार्जर देखने नहीं मिलता है सो so, भले ही आप एक सेकेंडरी बैटरी में भी अपग्रेड कर लेते हो तो आपको एक एक्सटर्नल चार्जर चाहिए ही पड़ेगा ऑफकोर्स सो मैंने ये चार्जर चूज़ किया और अभी हम अगर इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में सबसे पहले देखने मिल जाता है हमें ये केबल बाय द वे इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं सो केबल की अगर हम पर्सनली मैं अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं अगर इसके हम बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखें तो मुझे लगता है जो सोनी की ओरिजिनल केबल आती है ना जो हमें चार्जर के साथ लाइक like, अपने बॉक्स के अंदर मिलती है कैमरे के साथ में वो मच बेटर परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू दिस केबल बिकॉज इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है एंड पर्सनली सोनी की केबल ऑफ कॉर्स ब्रांडेड भी है एंड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की है तो पर्सली आई विद सजेस्ट कि आप जो इसका अडाप्टर है ना इसके साथ ये वाली केबल यूज़ करना कि ज़्यादा सेफ़ और ऑप्शन होगा दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन बार आपको अगर वो केबल भी जस्ट इनके इस मान लो अभी यूज में ऐसा नहीं कि एकदम ही खराब है बट हाँ पर्सनली आई विद सजेस्ट कि आप वो वाली यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है ना फाइनली हेयर इज़ आर मेन अडाप्टर अब इस अडाप्टर की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं ये सब साइड में रख देता हूँ यप सो हेयर इज़ आर अडाप्टर पीछे आपको बैक साइड पर कुछ डिटेल्स मैंशन मिल जाएंगे जैसे कि इसका आउटपुट और इसका जो इनपुट है वो 100 टू 240 हंड्रेड वाट्स है और जो इसका इनपुट है वो 4.2 पॉइंट वाट्स है सो so बेसिकली और इस पर कुछ प्रिकॉशंस भी दिए हुए हैं सो डू फॉल इट फॉर यू कैन बेटरली यूज़ इट सो अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें और इसकी कम्पैटिबिलिटी की बात करें तो मुझे बिल्ड क्वालिटी वाइज ये ठीक ठाक लगा और कम्पैटिबिलिटी इसका एक मेन फीचर है बिकॉज यहाँ पे आप अपनी नॉर्मल बैटरी तो ऑफकोर्स जो आपको मिलती है वो फिट कर ही सकते हो मैं एक बार आपको फिट करके दिखा देता हूँ सो यू जस्ट हैव टू स्लाइड योर बैटरी आपको सिंपली हल्का सा पुश करना है जैसे हम अपने पुराने वाले फ़ोन्स में आते थे ना जो लाइक की वाले उसमें हम बैटरी फिट करते थे जस्ट लाइक इट आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करके पुश करना है और आपको एक क्लिक करके साउंड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी फिट हो गई है बाकी यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेशन के लिए आपको लाइट मिल जाती है तो अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो इट विल टर्न इन रेड कलर और अगर आपकी बैटरी चार्ज है ऑलरेडी या फिर चार्ज नहीं हो रही तो वो ग्रीन पे जलेगा बाकी अगर आप इसको हल्का सा स्लाइड करते हो पीछे की तरफ देयर इज़ द मैजिक यहाँ पे आप एक बड़ी बैटरी भी चार्ज कर सकते हो एक फुल मिररलेस कैमरा की तो so, अगर एक फुल फ्रेम कैमरा आपके पास और एक ए कैमरा आपके पास दोनों साइज़ की बैटरी है यू कैन चार्ज बोथ ऑफ योर बैटरीज विद जस्ट वन चार्जर आपको अलग अलग चार्जर कैरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप एक ही चार्जर लेके चलो एंड यू कैन चार्ज बोथ ऑफ योर बैटरीज विद दिस वन चार्जर सो बेसिकली मुझे इसका ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसको बंद करने के लिए भी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है सिंपली जस्ट ऊपर रखने के बाद आपको स्लाइडिंग कर देना है और ये बंद हो जाएगा और अब इसको आप अब आराम से ए पी एस ई कैमरा वाली बैटरी के लिए यूज़ कर सकते हो जब आप इसको निकालोगे तो अफकॉर्स ये बड़ी बड़ी बैटरी के लिए काम पे आ जाएगा बाकी चार्ज करने का प्रोसेस तो एज़ यूजुअल आपने अगर कोई चार्जर यूज़ किया होगा तो, तो जस्ट पुट योर केबल हेयर आपको अपना सिंपली केबल इस स्लॉट में डाल देना अच्छे से टाइटली फिट कर देना एंड देन आपका ये जो प्लग है इसको अपने सॉकेट पर लगाना एंड देन जस्ट टर्न योर बटन एंड आप यूज़ कर सकते हो इसको बड़े आराम से बाकी अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो अगर आप इसको ऑफलाइन स्टोर से लेते हो तो पर्सनली मुझे ये प्राइस रेंज इसका कुछ पड़ा था फोर हंड्रेड रुपीज़ और अगर आप इसको ऑनलाइन भी लेते हो तो नियरली आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ के अंदर आराम से इजीली मिल जाएगा सो आई विल रिकमेंड यू बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में